नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ जसबीर सिंह जसी। तो जोगी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर सीएम रमन सिंह ने अपनी टिप्पणी की है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के चुनाव चिन्ह पर सीएम रमन सिंह ने कहा है कि चुनाव चिन्ह के आधार पर कोई चुनाव नहीं जीता जाता। आपको बता दें कि सोमवार को ही जोगी कांग्रेस को भारत निर्वाचन आयोग ने हल चलाता हुआ एक किसान बतौर चुनाव चिन्ह के तौर पर जारी किया था। कई लोगों की नजर में ये चुनाव चिन्ह जोगी कांग्रेस के लिए किसानों से जोड़ने और चुनाव में फायदा पहुंचाने वाला बताया जा रहा है। कोई चुनाव चिन्ह से चुनाव जीत जाता तो अलग बात है, मगर चुनाव चिन्ह जो मिला हल्दर वो खैर अच्छा चुनाव चिन्ह है। तो इसी मुद्दे पर और भी बेबाकी से चर्चा के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर स्टूडियो, जहां हमारे स्प्रेड हेड आर के गांधी जी तमाम मेहमानों के साथ मौजूद हैं। जी गांधी जी, लेकिन इसमें अगर ट्रैक्टर के साथ कुछ हाथ चलाना चाहिए तो शायद सोने का और हो जाए। देखिए क्या
आदिवासी कह रहे हैं, क्या ये बात को भूल जाएंगे कि इनके शासनकाल में ही अभी दो साल के अंदर 1271 के चुनाव में आपत्तियां की और आपके ही मंत्री ने इसको विधानसभा में स्वीकार किया कि हमारे इतने आपत्तियां की। आपके संग्रह पर 2013 में संग्रह पत्र आपने जारी किया था, उसमें आपने यह लिखा था कि हम 2100 रुपए समर्थन भूल जाएंगे, 300 रुपए बोनस देंगे, आप कहां दे रहे हैं? चलिए आपने नहीं दे पाया तो आप यह बताना चाहते हैं कि आपके राज्य में आपकी सरकार में आपकी 15 सरकार में 1271 के मामले में आपत्ति क्यों की? और निकाल है जनता के पटल में माननीय आपके गृह मंत्री आपके कृषि मंत्री जी ने इसको बोला है, इस बारे में आप क्या बोलेंगे, क्या जनता को जवाब देंगे कि उन्होंने किस कारण में आपत्ति किया? अरे भाई अभी तो हमको 100 रुपए का मिला है, आगे
से आपकी पार्टी से अलग होकर ही एक अलग पार्टी तैयार हो चुकी है, सिंबॉल भी मिल गया आप लोग सिंबॉल को लेकर लगातार कांग्रेस को निशाना साधते रहे। अब सिंबॉल मिलने के बाद में कांग्रेस क्या मांगने चल रही है, कितना अहम होगा ये सिंबॉल? देखिए जो पार्टी अभी सिंबॉल लेके आई है और कांग्रेस से माननीय जो दिल्ली गए और निश्चित तौर पर उन्होंने एक उनका जो उनके विचार उस विचार में उन्होंने एक पार्टी का निर्माण किया और उसमें एक पार्ट है कि उसमें चुनाव चिन्ह लेके आना चाहिए, एक प्रक्रिया जो चलती रहेगी। और निश्चित तौर पर आप इतिहास उठा के देखिए छत्तीसगढ़ में हमेशा नई नई पार्टियां बनी है, वाना गणतंत्र पार्टी से लेकर लोकतांत्रिक और बहुत सारी ऐसी तमाम पार्टियां बनी है। चिन्ह रही बात चुनाव चिन्ह का तो निश्चित तौर पर एक वो कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ है और एक वो हल जो उसका किसान हो जाए मैंने पेपर में देखा तो वो एक चुनाव चिन्ह, लेकिन चुनाव चिन्ह से जो उनके जो विचार है जो कंसेप्ट लेके वो इस छत्तीसगढ़ में राज करने की बात कर रहे हैं ये तमाम चीजें मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पहला स्टेज है जो चालू हुआ है। और अभी ये हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी 125 से 27 साल पुरानी पार्टी है, 127 साल पुरानी पार्टी और इसके पूरे छाप छोड़ने वाला चुनाव दिन है। देखिए आखिर हमारा अच्छा है पर हमारे पास
बनने के बाद